गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह द सर्मन एट बनारस, जिसे लिखने वाले बेटी रेनशॉ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें सर्मन के बारे में तो सर्वन का हिंदी होता है उपदेश या फिर प्रवचन। तो अगर हम इसे हिंदी में बोले तो द सर्मन एट बनारस मीन्स एक ऐसा उपदेश जो बनारस में दिया गया है। द सर्मन एट बनारस लिखने वाले पैटी रेनशॉ है, जो कि गौतम बुद्धा की पूरी जिंदगी को बारे में बताते हैं, उनके राजकुमार से लेकर के साधु बनने तक का, कि किस तरीके से दुनिया के सारे दुख तकलीफ को देख करके जो सिद्धार्थ जो है वह अंत में दुनिया के सारे मोह माया को त्याग देते हैं और ज्ञान की तलाश में निकल जाते हैं, और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है बौद्ध गया में एक पेड़ के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की समरी। गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी से लेकर के 483 बीसी के बीच में हुआ था, जो कि एक राजकुमार थे। उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा था। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था तो एक ऋषि ने बोला था कि यह आगे जाकर के एक संत बनेगा, जिससे उनके माता पिता जो है वह बहुत परेशान थे। तो उन्होंने जब पूछा संत से कि इसका क्या उपाय है, तो संत बोलते हैं कि इसे किसी भी तरह के दुख तकलीफ से वंचित रखना, मतलब इसके सामने कभी भी नहीं दिखना चाहिए कि कोई दुख या तकलीफ में है। जब वह सिद्धार्थ गौतम 25 साल के हो जाते हैं तो उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बूढ़े आदमी और एक मृत आदमी को देखा था। उन्होंने एक तपस्वी को भी देखा जो दान मांग रहे थे, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तो उन्होंने ज्ञान की खोज में वह अपने सारे सांसारिक चीजों को छोड़ करके निकल जाते हैं। 7 सालों तक टहलने के बाद वह अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और यह कसम खाते हैं कि वह उस पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और कुछ समय बीतने के बाद सिद्धार्थ गौतम को जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उसे ट्री ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान का पेड़ या फिर ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो जाता है। वह अपना पहला प्रवचन जो है वह बनारस में देते हैं, जिनमें 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताए गए थी, जिसे गौतम बुद्धा ने एक कीसा गौतमी नाम की महिला के कहानी से समझाने का प्रयास किया है, जिनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। जब कीसा गौतमी के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वह जो है वह अपने बच्चे के लिए लोगों से दवाइयां मांग रही होती है और अंत में एक आदमी बोलता है कि आप जो है बुद्धा साक्य मुनि के पास जाइए। तो जब कीसा गौतमी गौतम बुद्धा के पास आते हैं और उनकी सारी बातों को बुद्धा सुनते हैं तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे की बीमारी का इलाज कर दूंगा, उसकी जान भी बचा दूंगा, अगर तुम मुझे सरसों के कुछ दाने ला करके दो। तो कीसा गौतमी जो है वह इस बात पे तैयार हो जाती है। वह एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, ऐसा करते करते बहुत सारे घर जाती है, मगर उन्हें कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पे किसी की मृत्यु न हुई हो। तो अंत में वह यह बात समझ जाती है कि मृत्यु जो है वह सबसे बड़ा सत्य है और कोई भी इसे चाह करके भी टाल नहीं सकता। कोई भी इंसान अपने सगे संबंधियों को मृत्यु से नहीं बचा सकता है। लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के मृत्यु पर रोते हैं। सिर्फ वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है वह कभी भी
इन बातों पे रोता नहीं है और सत्य का सामना करता है। अगर कोई व्यक्ति रोता है तो उसका दुख जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति नहीं रोता है उसे मन की शांति मिलती है, साथ ही साथ वह दुनिया के हर दुख और तकलीफ से परे होता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं होता है। तो यही था हमारा आज का स्टोरी दशामन एट बनारस, जिसे लिखने वाले बेटी रनशॉ है। सो आई थिंक आवर टूडेज वीडियो वॉज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू।